नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है और ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है ये आ रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल से। और हमारी कोशिश यही रहती है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आप अप टू डेट रहें। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, अपडेट निकल के आ रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल से। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो है एक लेटर, एक प्रति भेजी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये जो है 19 अक्टूबर 2020 को भेजी थी। बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसकी फोटो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र भोपाल से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के आवेदन की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है। ईपीएस के सेवाधारियों ने सरकार को लाभ पहुंचाने हेतु समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली थी। आज उन्हें अंश मात्र ही पेंशन मिलती है, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक के जीवन हेतु बहुत ही कम है। अतः ईपीएस 95 के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन सहित महंगाई भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करे। और यहाँ पर उन्होंने अपना सिग्नेचर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर प्रतिलिपि जो भेजी गई है श्री आर एस धारकर समन्वय भोपाल राज्य मध्य प्रदेश ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघ समिति की ओर सूचना। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, और आगे जो भी कोई अपडेट आएगा आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है कब इस पर निर्णय लेती है, कब पेंशन बढ़ोतरी के जो है ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी होता है। बाकी जो भी कोई अपडेट आएगा आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।